डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, जैसे बता ना, बहुत बार आपने देखा होगा घरों के अंदर में ऐसी डिजाइनें बनी हुई थी, जमीन फर्श पे एक फूलों का डिजाइन बना रखा है जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50% पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा क्या आएगा। तो इन्होंने जो टाइलें दी है, देखो इनका जो ये जो चित्र जो किताब में दे रखा है, इसका मैंने बाइफर्केशन किया। ये देखो, ये जो टाइलें हैं त्रिभुजाकार है और इन सब की साइज का एक ही तरीका है, ये भी 28 है, ये भी 9 है, 35 है। तो हम एक का निकाल लेते हैं तो हमें क्या होगा, पूरी पंखुड़ी का ये निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं कि भैया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। और ये किससे निकलेगा, हीरोन सूत्र से निकलेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सवाल उठता है एस क्या है, तो मैंने कहा 28 प्लस 9 प्लस 35/2, तो 37 और 35 72, 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर हुआ। अब हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो S तो आया 36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। अब ये हुआ 36 इंटू 8 इंटू 27 इंटू 1। अब यहां पे थोड़ा सा खेल करते हैं। अब देखो 36 का तो हमें सीधा सीधा निकल गया 6, 27 में से 3 निकाल देता हूँ। देखो अब मैं इसको थोड़ा, चलो आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 6 × 6 × 4 × 2 × 9 × 3 × 1। अब देखो ये तो हो गया 6 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल कितना होता, 2 होता, 9 का वर्गमूल कितना होता, 3 होता, बाकी बच गया 2 और 3 6, तो 6 दो 12 भारतीय 36√6। और अब हमें √6 की वैल्यू निकालनी होगी, तो √6 क्या होता है बेटा, मैंने कहा √6, तो इसकी देखो हमने कहा 2 से भाग दिया तो 2 × 2 = 4, 4 दो पॉइंट लगाने से 2 जीरो उतरेंगे, 4 उतरा 176, तो ये हुआ 48, पीछे बचा 24, और ये हुआ तो 2.4, और ये रफली हो जाएगा 5 से गुणा कर देते हैं तो रफली आ गया हमारा 5 × 25 = 40, 2 × 4 = 5, लगभग 2.45 आता है। तो 2.45 को 36 से गुणा कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों गुणा किया आपने, √6 क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि बेटा हमें 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से गुणा करना है, इसलिए हमें इसको, तो मैंने कहा 36 × 5 = 180, 18, 36 × 6 = 144, 144 × 18 = 162, 16 × 36 = 72, 88.20, और ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमारा ये एक का भाग का ये है, और हमारे पास कितने हैं, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 2 = 16, यानी ऐसे 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होता, तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता, तो मैं कहता 88.20 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पैसा कितना देना है, पॉलिश करने का खर्च कितना है, पॉलिश का खर्च है 50 पैसे, और 50 पैसे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 रुपए। तो अब मैं कहूँगा खर्च कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को प्रति सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च से गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा 88.20 × 16 × 1/2, 2 से कटा 8, अब गुणा कर लेते हैं, 8 × 2 = 16, 1 × 8 = 64, 6 × 5 = 6, 8 × 8 = 64,
और 64 और 6 70, तो मैंने कहा 705 रुपये 60 पैसे, ये हमारा आंसर है।